कोई लेना देना नहीं। बोरी नीचे गिर के फट गई और कुछ नहीं। अरे इसे हटा दो। अरे तुम क्यों करोगी, घर में इतने सारे नौकर हैं। सही कहा। रुको मैं साफ करवाती हूँ वरना कोई टकरा के गिर जाएगा। बिंदिया इधर आना। वो बोतल मेरे हाथ से छूट गई। क्या आप भी बच्चे बन जाते हो। बिंदिया जाके खाने की तैयारी करो। जी मालकिन। आपके सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहोगे। खाना खा लीजिए, मुझे छोटी को हॉस्टल से घर भी तो लाना है। अभी अभी तो नाश्ता किया है। कभी कभी बहू की भी सुन लिया करो देवराज, खाना गरम गरम खाना चाहिए वरना मजा नहीं आता। ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, मुंबई से मिलने आए हैं। बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत ही खास। आप भी खाना खा लीजिए। तेरे और वीरा के अलावा तेरे दो और बड़े भाई थे जिन्हें मैंने ही मारा था। इसीलिए मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया, अपना नाम बदल के तुम्हारे साथ रहा ताकि तुमसे बदला ले सकूं। उस दिन जब मैंने खंजर फेंका था तो मेरा निशाना वीरा नहीं था, तुम थे, पर तुम बच गए। तेरे दिल में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई। थोड़ा पनीर लाओ। हाँ ले आओ। घूर क्या रहा है, मौत का भी वक्त बताकर नहीं आती, उससे किसी की रिश्तेदारी नहीं है। तुम्हें भी थोड़ा दूं? क्या? अरे दो, ये बहुत ही शर्माता है। खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा बनाया। इसकी पत्नी के अलावा बाकी सब जानते हैं ये टेढ़ी खोपड़ी का है, इससे अच्छी तो वो आंटियां हैं। आप भी चोंच मत खोलना, टेबल पर बहुत सारे कांटे पड़े हैं। आप लोग खा क्यों नहीं रहे? डेड बॉडी पास में है और ये पूछ रही है खाना क्यों नहीं खा रहे। क्या डायबिटीज है ना, इसलिए मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, तुम्हें दे दूँ। इतनी भूख लगी थी तो पहले क्यों नहीं कहा? सारे पीस इसी को दे दोगी तो हम क्या ग्रेवी खाएंगे? नहीं अंदर और भी है, लाऊं? थोड़ा सा। ये देवराज का पेट है या टंकी? ज्यादा बोले तो चंकी पांडे बना देंगे। ऐसे लोगों को कोई साथ बिठा के खाना खिलाता है, मन करता है इसको मार डालूं। तुम्हारी दुआ कबूल हुई। आपने जो बोला उसको बाउंसर गया। इसे ही तो समझदारी कहते हैं। म्यूट में पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाकर चल दो। इस फिल्म का नाम तो खूनी दरिंदा होना चाहिए। खाओ ना। पता नहीं ये मेरी बेटी है या किसी और की। अरे वो कहाँ चला गया? पेट भर गया तो चला गया। कुर्सी लेके? कुर्सी पर दाल गिर गई थी,
उसे लगा तुम डांटोगी, इसलिए साफ करने बाहर ले गया। ओहो, काश मेरे पति भी ऐसे ही डरते मुझसे। आप भी? छह। एक तरफ तो खाना खाते खाते ये मर्डर कर रहा है और दूसरी तरफ रोमांस कर रहा है, ये वाकई खतरनाक आदमी है। क्या चाहिए लक्ष्मी? पानी का घड़ा। रुको मैं देती हूँ। तुम क्यों आ गई है? काम करने वाले लोग। जब उसे मारते वक्त इतना नहीं सोचा तो आप छुपा क्यों रहे हो? मेरा मतलब, अगर मैंने दीदी को बता दिया तो? उसे सब पता चल जाएगा। मेरी शादी की रात दुश्मनों ने तेरे बाप को मार डाला। मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। जानता है तेरी भाभी ने मुझसे क्या कहा? विदाई के बाद मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन खून का एक भी धब्बा दिखाई दिया तो लौट जाऊंगी। इसीलिए मैं खून के हर कतरे को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। विनय, वो मेरी जान है, उसे ये पता ना चले। मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है। घर की बात घर में रहने दी, इसके बदले तुझे क्या चाहिए बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मोहन जी को प्रॉपर्टी पेपर्स दे दीजिए। दे दो। ले लो। लगा झटका? आपने चार हफ्ते का टाइम दिया था, मेरे दोस्त ने तो एक हफ्ता भी नहीं लगाया है। तुम्हें क्या हो गया मोहन मिश्रा? ओहो, आपको दहेज देने का डर है? हम इतने भी लालची नहीं है, बस पैर धोने के लिए मिनरल वाटर ले आना काफी है। तुम दो दिन मेरे घर पर रहे और मेरी जान बचाई। परिवार का हिस्सा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से। उन पेपर्स की क्या कीमत है? साइन करके दे दूंगा। आज शाम मेरी बहन हॉस्टल से आ रही है, उसे तुम्हारी शादी पक्की करके दहेज में वो पेपर्स दे दो, फिर मार देना इसके मुंह पे। देवराज की बातें सुनकर कहीं तुम्हारा धोने का मन तो नहीं कर रहा क्या? पैर जोक मारता है। मैं वाणी को चाहता हूँ जीजा जी। एक लड़की के प्यार में तो कोई भी पड़ सकता है। जिस दिन चाकू देख के पसीना ना छूटे उस दिन मेरे पास आना, फिर सोचेंगे। शूट तो बहुत टाइट हो गया परम। सिचुएशन से भी टाइट है क्या? हाँ परम, किस्मत। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी नहीं होती, सगाई उस लड़की से होती है जिससे कोई और प्यार करता है। समझ में नहीं आता जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सगाई कब होगी परम। देखो किस्मत आके हाथ मिला रही है, लेकिन बदकिस्मती आके मुंह पे पप्पी देके जा रही है। यहाँ ना। मेरे लिए? नहीं वाणी के लिए। सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? अपने भाई जैसी, बस मुझे नहीं होगी। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। ना 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 ना। तेरा नाम क्या है? समीरा। कहाँ से? मुंबई। वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। खुद पे रख कर दिखा। कर दी ना साड़ी खराब?
जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना। ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। शूलेस। लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो, अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा, फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? हाँ?